विराम के होने के विषय में ही आपको बता रहे थे, इसमें कुछ अभी बाकी है। और विराम चिन्ह शब्द का अर्थ आपको रुकना बताया, लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं कहीं ना कहीं जो वक्ता है वो बातचीत करने वाले हैं वह कहीं ना कहीं थोड़ा रुकते रहते हैं, उन्हें ही हम विराम कहते हैं, विराम। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कि भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना दिए गए हैं, इन्हीं लिखित चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंस पद या त्रुटि पूरक, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। तो ये सारे के सारे यहाँ पर नाम और चिन्ह दिए गए हैं। हम आपको जो बता रहे हैं ये पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, योजक या विभाजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह तक हम आपको बता चुके हैं, उसके बाद देखते हैं उद्धरण। उद्धरण चिन्ह के विषय में हम जानते हैं कि उद्धरण चिन्ह कौन से होते हैं। ये हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक उद्धरण चिन्ह के होते हैं, एकल उदाहरण, दूसरा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये दो प्रकार के उद्धरण चिन्ह माने जाते हैं। इसमें आप ये सबसे पहले हम देखते हैं एकल, एकल उद्धरण चिन्ह के विषय में जानते हैं कि इसमें एकल के अंतर्गत किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम, नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम
इसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं जैसे जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, आगे कहते हैं गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। ये हुआ यहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो ये हुआ हमारा एकल उद्धरण चिन्ह, ये एकल में आता है। अब हम देखते हैं इसमें दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत देखते हैं किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों बताना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मैं हम देखते हैं पिताजी ने कहा था
दादी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा, पिताजी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये हुआ उद्धरण चिन्ह। पिताजी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा, और इसमें यहाँ पर और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं ये हमारे दोहरे उद्धरण चिन्ह हैं। ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का ये उदाहरण हुआ, और इसमें आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें। अब आगे हम विवरण चिन्ह देखते हैं। ये हुआ हमारा विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना सूचना निर्देश आदि देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है जैसे
जैसे हम देखते हैं कि भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, ये हुआ हमारा भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, ये हमने चिन्ह लगा दिया। उसके बाद हमने भाषाओं के प्रकार देख लिए, जो जो प्रकार हैं। कोष्ठक के विषय में देखते हैं, अब हम कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक में ये हमारा कोष्ठक चिन्ह हुआ। कोष्ठक का प्रयोग प्रायः हो प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने बताने विकल्प दिखाने आदि। इसके अलावा कोष्ठकों का प्रयोग गणित में किया जाता है। कोष्ठकों का प्रयोग जैसे जय तथा प्राजय जीवन संग्राम के अंग हैं। जैसे ये इससे जय विजय तथा प्राजय हार,
जीवन संग्राम के अंग हैं। तो ये जो कोष्ठक लगे हुए हैं ये आपको निर्देशित करते हैं कि कोष्ठक जो है इस प्रकार से लगाए जाते हैं, यही इनका तरीका है, इसी प्रकार से कोष्ठकों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो इसमें के है एक दो तीन, ये इस प्रकार से गले में भी इनका प्रयोग किया जाता है और अन्य तरीकों में भी, अन्य प्रश्नों के अंदर भी इनका विशेष रूप से प्रयोग होता है। तो ये हुआ हमारा कोष्ठक। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूर्ण रूप से ये हुआ और हम कल बताएंगे, आज इतना ही।